सर रेलवे की बात कर रहे हो बुलेट ट्रेन के बिना बात अधूरी रह जाएगी अब जैसे सपना लोगों का 5G और 6G का है वैसे ही सपना है कि बुलेट ट्रेन में कब चढ़ेंगे बहुत ही सेटिस्फेक्शन का विषय है कि करीब करीब 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर में हाई स्पीड के बुलेट ट्रेन के पिलर्स ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं वापिस अहमदाबाद के बीच में ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर्स पिलर्स बन चुके हैं ऑलमोस्ट 170 हंड्रेड सेवेंटी किलोमीटर्स फाउंडेशन बन चुकी है साथ के साथ रिवर्स पे जो ब्रिज बनाना है वो ब्रिज का काम तेज़ी से चल रहा है सारे के सारे स्टेशंस बुलेट ट्रेन के इतना तेज़ी से काम चल रहा है इतना तेज़ी से काम चल रहा है आप जाके देख के आइए आपको भी खुशी होगी सेटिस्फेक्शन होगा और मुझे लगता है कि 2026 में हम भारत में पहली बुलेट ट्रेन चला लेंगे 2026 हजार हम मान के चले लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल, सपोर्ट मिल पा रहा है महाराष्ट्र की पब्लिक तो चाहती है बुलेट चले और सरकार जिस दिन चाहेगी उस दिन महाराष्ट्र में भी काम चालू कर लेंगे सरकारों के तो वही लोग हैं जो कभी आपके सहयोगी होते थे <laughs> <laughs> मैं समझ रहा हूँ सर लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि एक तरफ तो बुलेट ट्रेन है दूसरी तरफ हाई स्पीड ट्रेन को लेकर के भी uh, इस वक्त देश में एक तरीके से आप रेवोल्यूशन लाने की तैयारी कर रहे हैं और उसमें वंदे भारत सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लेकिन लोग कहते हैं कि आपने सिर्फ दो ट्रेनें चलाकर ही काम खत्म कर दिया उसके आगे आप कुछ कर ही नहीं रहे उस पर देखिए जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है आप सब समझते हैं कि पहले उसका प्रोटोटाइप होता है प्रोटोटाइप को प्रूव करना पड़ता है आप सोचिए जब आप कार को 100 किलोमीटर की स्पीड पे चला रहे होते हैं उसके वाइब्रेशंस कितने होते हैं कंट्रोल करना कितना डिफ़िकल्ट होता है किस तरह से उसका एक पूरा डायनामिक चेंज हो जाता है वंदे भारत जो डिज़ाइन की वो 180 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन है ऐसी ट्रेन को चलाना डिज़ाइन करना कम्प्लीटली भारत में डिज़ाइंड है ये और सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल कंट्रोल और व्हीकल डायनामिक्स इन सब पे एक बार इस टेक्नोलॉजी को हमने मास्टर कर लिया तो उसके आगे जाना बहुत आसान होता है दो ट्रेन जो चल रही है अभी करीब डे दो साल ढाई साल से चल रही है एब्सोल्यूटली फ्लॉलेस ऑपरेशन है और अब अब उसका वर्जन टू अगस्त में रोल आउट होना चालू होगा हर महीने चार पाँच छः ट्रेन्स सेवन ट्रेन्स फैक्ट्री से निकलेगी और अगले साल के 15 अगस्त तक 2023 के 15 अगस्त तक 75 ट्रेन्स निकल चुकी होंगी उसके आगे आने वाले पीरियड में उसका वर्ज़न थ्री वर्ज़न वन वर्ज़न टू वर्ज़न थ्री वर्ज़न थ्री निकलेगा जो कि 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड का होगा आप देखो बुलेट ट्रेन की जो टेक्नोलॉजी है वो 200 से 300 के बीच की टेक्नोलॉजी है राइट right? उस रेंज की टेक्नोलॉजी है ट्रेन निकलेगी प्लेटफॉर्म फॉर बुलेट तो ये एक बहुत ही आउट बहुत ही सोचे समझे तरीके से मेथोडिकल वे में दुनिया भर में हमारे यहां से रेलवे के एक्सपोर्ट्स हो ये सोच के आगे बढ़ रहे हैं तो वंदे भारत तो 400 के आसपास आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी अगले तीन चार दो तीन वर्षों के अंदर अंदर देश के कोने कोने को प्रधानमंत्री जी ने संकल्प दिया है देश के कोने कोने को वंदे भारत से जोड़ेंगे